स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुलफात में, जहां पे आज आप लोग सीखने जा रहे हो कि आप किस तरीके से ऑटोमेशन कर सकते हो अपने एफएल स्टूडियो के अंदर। ऑटोमेशन है क्या? ऑटोमेशन है जादू की छड़ी। जब भी आप एफएल स्टूडियो का प्रोजेक्ट खोलते हो, फर्स्ट टाइम एफएल स्टूडियो ओपन करते हो, तो बहुत सारा ऑटोमेशन रहता है जो भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आपको एफएल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। लेकिन आप लोग का ना सपना रह जाता है कि काश मैं वैसा बना सकूं, लेकिन कभी बना नहीं पाते। एंड जी हां, वही सीक्रेट है एक अच्छे म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का जो आप तक नहीं पहुंचा है। मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, पूरे YouTube पे जाके ना आप ऑटोमेशन का ना सारा वीडियो देख लो, मैं गारंटी देता हूँ ना सब कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद, ये आपके वीडियो के बाद, मेरे वीडियो के बाद, आज हर एक चीज क्लियर हो जाने वाला है आपका ऑटोमेशन से रिलेटेड। ऑटोमेशन करना कैसे है, किस तरीके से करना है, कहां लगाना है, क्या करना है, इसका काम क्या है, आपको आज प्रैक्टिकली काम दिखेगा। सो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आज आप हमारे वीडियो को पूरा देख जाते हो, 101% आज आप प्रो प्रोड्यूसर बन जाओगे। प्रो प्रोड्यूसर भाई ऐसे ही नहीं हवा में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, राइट? सो मैं हवा में बात नहीं करूंगा, जो बात है एकदम सच बोल रहा हूं। 100% इस वीडियो को पूरा देख जाओ, गारंटी दे रहे हैं कि आज प्रो प्रोड्यूसर आप बन ही जाएंगे। अरे कुछ नहीं बनेंगे तो 90% बन जाएंगे, यहां तक का गारंटी दे रहे हैं। सोचने का आपका, म्यूजिक प्रोडक्शन का, मिक्सिंग करने का जो है ना सोच, एकदम चेंज हो जाएगा। बाकी शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। सो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अभी के अभी जाके ज्वाइन कीजिए। ये कंप्लीट कोर्स है, फुल कोर्स है, लाइव क्लास है, एकदम आमने सामने हम लोग होंगे और सीख रहे होंगे। ये बैच क्लास है भाई, बहुत लोग सवाल करता है इंडिविजुअल, 20,000 में इंडिविजुअल कौन सिखा पाएगा भाई, हम लोग कहां जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे इतना सारा चीज, इतना बड़ा टीम कैसे मैनेज करेंगे, समझो। ओके गाइस, ये तो जोक सपाट था। सो जो कोर्स का फी है मात्र 20,000 रुपए, इस साल का ये आखिरी बैच है, इसलिए मैंने एक लिमिटेड प्राइस लगा रखा है। अगले साल 2025 में इसका प्राइस बढ़ेगा, जी हाँ बढ़ेगा। अगर आपको सब कुछ सीखना है, कंप्लीट म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, तो सिंपली इस दिए गए नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपना प्रॉब्लम को आप मेरा प्रॉब्लम बनाइए। यार कब तक टेंशन में रहिएगा, कब तक यूट्यूब के चक्कर में रहेगा, आइए ज्वाइन कीजिए, एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा, आगे अब आपको समझ आएगा क्यों। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज मेरा आवाज बैठा हुआ है क्यों, क्योंकि 101 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, क्या करे, बनाना तो पड़ेगा वीडियो। देखो आवाज कैसा लग रहा है, लग रहा है फटाफट जैसा बोल रहे हैं। चलो अब करते वीडियो का शुरुआत, नहीं करेंगे बकवास, बढ़ते वीडियो की ओर। ओके गाइस, सो देखो ये जो आज हम आप लोग को ऑटोमेशन सिखा रहे हैं ना, बिलीव मी ये आप लोग के पूरे म्यूजिक है ना गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि अभी तक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम आप एफएल स्टूडियो का प्रोजेक्ट खोलते हो, सो उसमें आप देखते होंगे बहुत सारा उसमें आपको ऑलरेडी ऑटोमेशन हुआ हुआ दिखता है, और आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि काश आने वाले समय में आप भी वो चीज कर सको। सो यूट्यूब पे ये पहली बार होने वाला है कि आप घर बैठे बैठे एक प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर बनोगे। जी हाँ, यही वो चीज है जिसके वजह से कोई इंसान बिगिनर रह जाता है, और जो इस टेक्निक को अपनाता है वो प्रोफेशनल हो जाता है, बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। पहले अपना एक बार लूप को सुन लो, और ऑटोमेशन से आप क्या कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो। आप ऑटोमेशन के थ्रू मिक्स कर सकते हो, अच्छा मिक्स कर सकते हो, रिवर्ब अच्छा बना सकते हो, डीले अच्छा बना सकते हो, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, यानी कि मिक्सिंग मास्टरिंग में भी ऑटोमेशन यूज होता है और प्रोडक्शन में भी होता है। अभी आपको खुद आंख के आगे दिखेगा कि भाई साहब कितना ज्यादा फर्क है। तो मैंने ना आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, दैट्स व्हाई मैंने बस एक एलिमेंट लिया है, क्योंकि मेरा यह मुद्दा आप लोग को समझाना और सिखाना है, ठीक है, ना कि बस मेरे को प्रोजेक्ट बना देना और आप लोग को कुछ असर ना करे। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं आप लोग को वो चीज सिखाने वाला हूं जो बस सुनने में अच्छा आपको नहीं लग रहा है। मेरा हम कुछ बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप उसे अपनाएंगे फायदा करेगा ही नहीं, तो ये तो ट्यूटोरियल देखना बर्बाद हो गया। सो मैं उन्हीं टॉपिक पे वीडियो लाता हूं अभी, स्पेशली खास करके आप अभी देख रहे होंगे, जो आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आप यहां पे इसको यूज करेंगे तो आसमान जमीन का अंतर दिखेगा आपको अपने मिक्स में, अपने म्यूजिक प्रोडक्शन में, एकदम गेम चेंजर है मेरे भाई। एक बार दिखाते हैं, एक बार इस लूप को सुन लीजिए। ओके, ये तो यहाँ पे लूप है। अब मेरे बात को समझना, ये सिर्फ लूप पे वैलिड नहीं है। अगर आपने खुद से भी कुछ मिडी में म्यूजिक बना रखा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पियानो ले रखा होगा पहले से, उस पर भी आपने कुछ यहाँ पे बना रखा है, उस पर भी ये चीज आप अप्लाई करोगे, ठीक है। सो बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है जब आप इसे करते हो, टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज होता है ना ऑटोमेशन, आपके गाने में ना डेप्थ डाल देता है। लोग यहाँ पे अच्छा मिक्सिंग मास्टरिंग करने का बात करते हैं, अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन करने की बात करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, डेप्थ ही नहीं होगा तो क्या आप उसमें अच्छा कर रहे हो? डेप्थ चाहिए,
अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हैं, गाने में डेप्थ है ही नहीं, बस गाना है भाई, कैसे भी मिक्स करके निकाल देना है, कैसे भी कुछ भी म्यूजिक बनाना निकाल देना है। देखिए, जब भी आप प्रोफेशनल चैनल्स को देखेंगे, प्रोफेशनल आप या प्रोड्यूसर को देखेंगे, म्यूजिशियन को देखेंगे, तो नोटिस करना उनके गानों में ना डेप्थ होता है, बट आपके गानों में डेप्थ नहीं होता, एक विजन नहीं होता, एक सोच नहीं होता। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे भाई तू पॉइंट का बात कर, समझा, जितना समझाना समझा, बहुत तुम बोलता है। अरे भाई, तुम जैसे लोग से नहीं होगा, तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग शॉर्टकट मारो, कोई देख लो चैनल जो शॉर्टकट मारने वाला चैनल है। हमारे चैनल पे 10 लोग ऐसे हैं, बस 10 से 15 लोग जिनको दिक्कत होता है हम डीपली समझाते हैं, तो बाकी जितने भी लोग हैं दिल से सीखते हैं, दिल से समझते हैं, मैं उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं आपके लिए मेरे जनाब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं आपको सिखा सकूं। जो मेरे से सीख पा रहे, लंबा वीडियो देख पा रहे, मैं बस उन्हीं के लिए बना हुआ हूं, बाकी मैं किसी के लिए नहीं हूं मेरे भाई, किसी के लिए नहीं हूं, ठीक है? तो मुझे माफ कर दीजिए, आप उनसे जाके सीख सकते हैं जिनको भी आपको लग रहा है कि हां भाई ये शॉर्टकट में अच्छा बता रहा है। ओके गाइस, मैं यहां किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, बट सीरियसली शॉर्टकट में म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है? ये फैक्ट है, ठीक है? अब म्यूजिक में डेप्थ डाल देता है ऑटोमेशन। आपका विजन क्या है, आपका सोच क्या है कि अब मेरा ये जैसे लूप बज रहा है, अब हम चाहते हैं कि शुरू में ना बहुत रिवर्ब हो, फिर धीरे धीरे वो आपका रिवर्ब कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी सोच सकते हैं शुरू में रिवर्ब ना हो लेकिन धीरे धीरे क्या हो कि आगे जाके एकदम फैल सा जाए मेरा जो लूप यहाँ पे बज रहा है। ये किसी भी चीज पे अप्लाई आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप लूप्स पे अप्लाई करो, ऐसा कहीं नहीं है, हर एक चीज पे आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेशन ही आपका गेम चेंज करेगा। अब बहुत लोग खलबला रहे होंगे, जल्दी करके दिखाओ ना यार, कितना लोग तो स्किप करके यहाँ तक पहुंच गया होगा, थोड़ा पीछे का देख लो, इंपॉर्टेंट बात की है, काम का बात की है। चलो अब हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको कोई मिक्सर पे डाल देते हैं और एक ही एलिमेंट को यूज कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? पहले आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आप ढेर सारे एलिमेंट्स पे इसको यूज करेंगे, मजा आ जाएगा मेरे भाई। जब ये हो जाएगा ना, उसके बाद ही मिक्सिंग अच्छा होगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन अच्छा दिखेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तब भाई कोई फायदा नहीं, ऑटोमेशन आना चाहिए, अच्छा ऑटोमेशन आना चाहिए, तभी आपका मिक्सिंग एकदम टॉप नॉच लगेगा, टॉप लेवल का लगेगा। वो कमी जो आपको लगता है ना कि अगले का गाना अच्छा लग रहा है, मेरा गाना नहीं लग रहा है, वो दूरी भी मिट जाएगी, आप भी प्रोफेशनल हो जाओगे। चलो अब मेरा थिंकिंग जो हम बोले, हम जो सोचे, हम क्या सोचे कि भैया रिवर्ब हो, रिवर्ब हो, ठीक है? और मान लो कि मैंने यहाँ कोई प्रीसेट ले लिया लार्ज हॉल, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि धीरे धीरे मेरा रिवर्ब आगे जाके बड़ा हो जाए। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ही यही हो गया कि वेट नॉब जो है रिवर्ब का, ये जो एफएक्स का नॉब है, कितना इफेक्ट्स आपको रखना है रिवर्ब का, कितना परसेंट रखना है, उसको आप धीरे धीरे उठा रहे हैं। पहले कुछ नहीं रहेगा, फिर धीरे 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 आगे की तरफ ये बढ़ेगा कुछ ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ ऐसा चाह रहे हो, या मैं चाह रहा हूं कि भैया रिवर्ब थोड़ा शुरू में ना, जैसे डीके क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था डीके कितना लंबा रिवर्ब चलाना है, शुरू में एकदम कम डीके रहे, फिर धीरे धीरे हमारा रिवर्ब ना एकदम फैल सा जाए, एकदम लंबा लगे, लंबा चले मेरा रिवर्ब, एम्बिएंट क्रिएट हो जाए। देखिए दिखाते हैं, एकदम कम कर दिया, ये चीज, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है? सो मैं अभी इसे वापस लार्ज हॉल पे सेट कर रहा हूं एंड थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा ऑफ कोर्स मेरे को बेस काटना चाहिए रिवर्ब का, अदरवाइज फेज इशू का इशू आएगा, दिक्कत आएगा, थोड़ा सा मैं काट देता हूं इसे 559 हर्ट्ज पे। अब हम क्या करेंगे, इसे एकदम पहले डाउन कर देंगे और इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर देंगे, ठीक है? ये ऐसा आ गया, मैं यहाँ पे रखूंगा रिवर्ब को। और बिलीव मी, इस तरीके से पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहा है, तो प्लीज़ हमारे समय का थोड़ा कदर करें, हमारा जो लगन है आप लोग के लिए कि आप लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा सको, दिल से सीखे, दिमाग से सीखे, थोड़ा यहाँ ध्यान देके सीखे, बहुत ही काम का चीज़ है। वीडियो पूरा देखिए, गारंटी देते हैं बहुत चेंजेस दिखेगा मिक्स में आपके। ओके, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है यार, फीवर है मेरे को, 101 डिग्री फीवर अभी हुआ हुआ है, हालत टाइट है एकदम, देखिए बोलने में भी पता चल रहा होगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ रिवर्ब बढ़े, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे लास्ट वाले नॉब को ना ऐसे पकड़ के ऐसे उठा दूंगा, ठीक है? अब मैं चाहता हूं थोड़ा इस जगह से ही आना स्टार्ट हो जाए, इसे मैं ऐसे घुमा देता हूं कि ताकि तुरंत स्टार्ट हो जाए, या मैं चाहता हूं कि इतना लंबा समय नहीं रहे, थोड़ा जल्दी हो जाए भैया, ठीक है? यहीं तक हमें आके ये होने लगे ऐसे, तो देखो ये उठता हुआ दिखेगा, बढ़ता जाए। फिर
मैंने उसे नॉर्मल लेवल पे कर दिया। ये दिमाग से सोचना कि कैसा आपका डिमांड है, ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कंप्लीट आपकी विजन है। या कुछ ये नहीं है कि भैया इसको ऑटोमेट कर दोगे ना तो मिक्स अच्छा हो जाएगा, ये आपकी सोच है, ये आपका सोच है, ये मेरा सोच नहीं। आप कुछ अलग करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ अपन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम चाहते हैं कि यहाँ आते आते पूरा एकदम रिवर्ब बढ़ जाए अपना, इस तरीके से थोड़ा इसे डाउन कर देते हैं। सीखना, वीडियो छोड़ना नहीं बीच में। आहा, अब मैं चाहता हूं थोड़ा डीके टाइम यहां से भरे, तो फिर मैं क्रिएट ऑटोमेशन के रिवर्ब हमारा और लंबा चले। तो कुछ नहीं, मैं यहां पे एक राइट क्लिक करके यहां पे मैं एक डॉट बना दूंगा, डॉट बन गया। सो एक मिनट, मैं इसे पहले 2.2 पे ही सेट कर देता हूं, या जितने पे भी था। कॉपी वैल्यू कर देते हैं, इसे यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, और अपन ना क्या करते हैं यहाँ से ना डीके टाइम उठा देते हैं। मैं चाहता हूँ लास्ट वाले में ना एकदम फैल सा जाए, ठीक है, देखो कितना मस्त लगेगा। यहाँ से देखना, एम्बियंस बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में और उठा देते हैं, क्या चीज बन रहा है मेरे भाई, बताओ कितना सही लग रहा है। ओके, और क्या क्या कलाकारियां कर सकते हैं, बहुत सारी कलाकारियां कर सकते हैं, कलाकारी की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा डीले ऐड कर सकते हो, ठीक है, और भी चीज मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मान लो मैंने डीले ले लिया, डीले बैंक ले लेते हैं, एंड लेट्स क्रिएट विद दी, इस नॉब को भी छेड़ सकते हैं अपन, इस नॉब को, टाइम वाले को भी, हर नॉब को छेड़िए भाई, सब पे ऑटोमेशन लगाओ, देखो कि सब कैसा काम करता है। इससे ना आप प्लगइन चलाना भी सीख जाओगे कि अच्छा ये प्लगइन का ये नॉब ये कर रहा है, ये प्लगइन का ये नॉब ये कर रहा है, ठीक है। सो इसको यूज कीजिए। अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मिक्स नॉब करूंगा कि मेरे को इतना डीले चाहिए। ओके, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा इसे। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप अब इस पे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका डीले वाला का ये जो मिक्स नॉब है ना, ये अब इस पे काम करेगा, ठीक है, ये डीले का मिक्स नॉब है। अब मैं क्या करूंगा, लेवल्स देखो, मैं चाहता हूं धीरे धीरे शुरू हुआ कुछ इस तरीके से, बड़ा हो जाएगा। एम्बियंस के साथ डीले भी आ गया, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपन यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, इक्वलाइजर के भी थ्रू बहुत तरीके का चीज बना सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा बजे कि जब मेरा गाना स्टार्ट हो ना, तब वहां पे कोई हाई फ्रिक्वेंसी ना हो, धीरे धीरे क्या करे ना, वो इन करे हमारे म्यूजिक में, इंट्रो में, या किसी भी चीज में मैं धीरे धीरे इन करवाऊं उसके प्रेजेंस को। सो प्रेजेंस आपके हाईज में होते हैं, आपको पता है, देखो प्रेजेंस हाईज वगैरह जो मिड वगैरह हो गए प्रेजेंस हो जाते हैं। सो आप क्या करोगे, देखो ये जो आप ऐसे से कर रहे हो ना, इसका नॉब यहाँ डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो, कुछ ऐसा हो, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। ओके, लेट्स ट्राई दिस। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि यहां से यहां तक जाना है, कुछ नहीं, राइट क्लिक कर देंगे इस वाले पे जिससे आप इसको यूज कर रहे थे, ठीक है। ओके, मैं इसे पहले लो पास कर देता हूँ, लो पास, पता नहीं मेरे से कुछ छिड़ गया यहाँ पे, अच्छा ये ऑफ हो गया, चलो हाँ इसे मैं लो पास कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जो इससे मैं इधर उधर कर रहा हूँ ना लेफ्ट राइट, इसी पे राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन कर दूंगा, कट लगा दूंगा, इसको डी अटैच कर दूंगा, और मैं इसे कहाँ गया, यही वाला था ना, हाँ यही था, इसे ऊपर की तरफ कर दूंगा ताकि बहुत प्यारा लगे। आप यहां तक ऐसे खुलवा सकते हो, यहां से सेकंड में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अब देखो मजा, बहुत सारी चीजें यू कैन डू हेयर। आप थोड़ा लंबा चलाना चाहते हो, कोई नहीं, इसे लंबा चला दो, और भी वेरिएशंस कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हो। लाइक अगर ये गिटार बजा, अब एक बार मैंने ऊपर कर दिया, एक बार नीचे कर दिया, एक बार ऊपर, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा कम,
बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हो, राइट? ओके, मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा ना इसका बस बेस कट जाए, बेस बड़ा डिस्टर्ब कर रहा मेरे को, उसे मैं उड़ा देता हूँ बेस को। क्या बात है भाई, अरे भाई साहब क्या सही बन गया। सोचो ये सब करोगे तो कैसे क्या हो जाएगा, पैनिंग वैनिंग सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई आप, पैनिंग हो गया, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मान लो एक प्लगइन है पैनोमेटिक करके होता है, उस पर भी ऑटोमेशन कर दिया आपने, मान लो कि लाइक स्पीड पे कर दिया आपने, राइट क्लिक किया क्रिएट ऑटोमेशन, इस पर भी कर दिया आप, लेफ्ट राइट बहुत सारी चीजें करा सकते हो। इसे डी अटैच कर दिया, लाइक यहाँ पे आते आते इसको पैन पे कर देना, ठीक है। मैं यहां से मान लो मैंने स्टार्ट किया, दोनों का लिया, एक आपका अमाउंट है और दूसरा आपका स्पीड है, ठीक है। स्पीड कौन सा है, ये अमाउंट है LFO अमाउंट, ठीक है, यानी ये है अमाउंट और LFO स्पीड ये है, ठीक है। कुछ नहीं करने का भाई, यहाँ पे अपन आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो फिर बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, एक अच्छा सा मतलब इफेक्ट्स क्रिएट आप कर सकते हो, लाइक और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो पूरा लेफ्ट हो जाएगा। बहुत तरीके का अनलिमिटेड इफेक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेशन के थ्रू, एंड बिलीव मी जब तक आप ये नहीं करोगे ना तब तक आपके मिक्स में ना जान नहीं आएगा। अब मैं ना फर्क दिखा देता हूँ कि बिना इन इफेक्ट्स के ये कैसा लग रहा था और उसके साथ कितना फर्क है, डेप्थ है, सुनते हैं। अब अभी सुनेगा सब, अरे ये कुछ अच्छा लगा, अरे अच्छा नहीं ये थोड़ा लाउड बज गया, लाउड बजना इज नॉट द गुड मिक्स, समझो मेरे बात को, लाउड बजना मिक्स नहीं होता, डेप्थ मिक्स होता है। कितना प्यारा लग रहा है, डेप्थ अच्छा होगा तभी अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन होगा, सुनना एक बार फर्क। इफेक्ट्स को ऑन करके देख लिया जाए भाई क्या फर्क है। ओके, पैनोमेटिक ऑफ कर देते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, रुकिएगा सुनिएगा। अब इफेक्ट्स ऑफ है, अब देखना ऑन करते के साथ, खुल रहा है, बड़ा हो गया रिवर्ब की वजह से रूम। This is the thing. कितना difference है, ठीक है। So guys, आज भर के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और बहुत ही मैं important topic पर वीडियो डाल रहा हूँ, so गलती से भी किसी वीडियो को मिस ना करें, बहुत ही काम का टॉपिक आपके लिए। बाकी मेरा क्लास जो है म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का जो क्लास है वो आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, सारे क्लासेस लाइव है, ये इस साल का आखिरी बैच होने वाला है। आप बस यही सोच लो कि अगर मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे ये सब डाल रहा हूँ तो पर्सनल क्लास में मैं क्या नहीं सिखा दूंगा, कुछ मेरे प्यारे भाई लोग कमेंट करते हैं, जब यूट्यूब पे आप बता ही देते ये सब तो हम काहे के लिए आपका क्लास ज्वाइन करेंगे। अरे मेरे भाई ये मत सोचो, ये सोचो कि अगर YouTube पे हम ये बता रहे तो पर्सनल क्लास में क्या से क्या बता रहे होंगे। थोड़ा थिंकिंग ना पॉजिटिव रखिए, म्यूजिशियन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। देखो अभी मेरे को ना 101 डिग्री बुखार है, बोलने में भी नहीं बन रहा है। हम ये सोच ले कि अरे हम कैसे वीडियो बनाएंगे 101 डिग्री बुखार है तो, लेकिन अगर हम यही सोचेगा ठीक है भाई बुखार है तो है, थोड़ा देर का तो काम है, 20 मिनट 25 मिनट का काम है, वीडियो बना लेंगे फिर सो जाएंगे, करेंगे क्या, पूरा दिन सोए रहेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव। अगर दिमाग में बैठा लेता है ना कोई की कुछ नेगेटिव चीज तो हमेशा नेगेटिव ही होते रहता है इर्द गिर्द। आप खुद सोचो ना, कितने साल से यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, जो सामने बैठे हो बहुत लंबे समय से देख रहे हो, एक ना एक दिन तो कोर्स सबको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, सभी लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जुगाड़ कर सकते हो, पूरे यूट्यूब पे आप जुगाड़ ढूंढ सकते हो कि हाँ ठीक है कुछ मिल जाए, नया मिल जाए तो हम कुछ सीख लेंगे, चार इंपॉर्टेंट बात सीख लेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ हम आपको बैठा के 3-3 घंटा नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, हम लाइव वीडियो भी डाल देंगे तो आप थोड़ी ना आप देखेंगे, आपको लगेगा ये डाल दीजिए ना हम तो देख लेंगे, लेकिन नहीं होता है भाई। जब आप किसी चीज के लिए पैसा पे करते हैं ना तो आप उस पर लॉयल रहते हैं, आप समय से ज्वाइन करते हैं, ध्यान देते हैं और सीख ही जाते हैं, कुछ बन के निकलते हैं। आ रहा है मेरा बात समझ में?
बहुत डिफरेंस है दोनों चीज में, सोच का डिफरेंस होता है। तो अच्छा सोच रखिए, पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी वही अपना 16 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 16 अक्टूबर से, जो कि दशहरा के बाद है, दशहरा एंड होने के बाद है। सो जिसको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, उसमें प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग, वोकल मिक्सिंग, मिक्सिंग मास्टरिंग ले लो, सब तो एक ही चीज है, म्यूजिक प्रोडक्शन, कैसे अच्छे से इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना, एवरीथिंग रहेगा अपने कोर्स में। जो सवाल आप पूछोगे उन सारे सवाल का जवाब मैं फेस टू फेस दूंगा, ठीक है। बाकी आज भर के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। हाँ, मेरे को बोलने में भी नहीं बन रहा, मेरा आवाज बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है कि कहीं हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, बहुत ज्यादा मेरा अंदर से तबीयत खराब है। और मैंने चेकअप करवाया, बस मेरे को डेंगू नहीं निकलना चाहिए, अगर डेंगू निकल गया भैया तब तो मेरा बैंड बच जाएगा, सब चीज बंद हो जाएगा मेरा। चलिए, मेरे गलतियों के लिए माफ कीजिएगा भाई लोग, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, बहुत कुछ हम फ्लो फ्लो में बोल भी जाते हैं। आप लोग को अपना परिवार मानते हैं तो परिवार से बातचीत करने के पहले कोई सोचता नहीं है, खुल के बात करता है। बाकी हो गया, मिलते हैं फिर अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रणाम जी।